नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशियाना में। जैसे कि आप सभी का रिक्वेस्ट था कि हमें 1 BHK 2 BHK दिलाइए गुवाहाटी सिटी के अंदर, तो आज आशियाना आपके लिए लेके आया है 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स लोकड़ा हाईवे के अंदर। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा सोसाइटी है। जैसे कि आप सभी बहुत एक्साइटेड है ये सोसाइटी को देखने के लिए, मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूँ आप सभी को ये सोसाइटी दिखाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ सोसाइटी को देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है। चलिए, आपने इंट्रो देख लिया, तो चलिए अभी हम देखते हैं ये एमिनिटीज इस सोसाइटी में। बहुत बड़ा जो सोसाइटी है इसमें क्या क्या एमिनिटीज है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियोस में आपको बारीकी से डिटेल्स देता हूँ किसी फ्लैट का या फिर प्रोजेक्ट का, बारीकी से जो डिटेल्स देता हूँ इसी वीडियो में भी मैं सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। बट पहले हम एमिनिटीज़ को देख लेते हैं, क्या प्राइस है इसका, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या इसका कैसा होने वाला है, बुकिंग करने के लिए क्या देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट पहले हम देख लेते हैं, आइए सो शुरू करते हैं। पहला स्टार्टिंग है ये गार्डनिंग। आप मेन एंट्रेंस से आने के बाद, आपका जो मेन गेट से घुसने के बाद, आपका राइट हैंड में आपका है ये बड़ा सा गार्डन। आप देख लीजिए, ब्लॉक सिस्टम में बनाया गया है, बीच में आप वॉकिंग के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। अभी ये बस रिसेंटली लगाया गया पेड़ है, ये बहुत बड़े होंगे और बहुत ग्रीनरी, ग्रीन बुशेस बनेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। सो देख लिया, अभी आप इस तरफ आइए, ये है आपका स्विमिंग पूल जो कि एडल्ट्स के लिए है। और हाँ, निराश मत होइएगा, आपके बच्चों के लिए भी ये एक स्विमिंग पूल है। फिलहाल इसमें पानी इसलिए नहीं है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पानी को हटा दिया, पानी को सारा निकाल दिया है, ताकि कोई अभी गलती से भी कोई बच्चा आके ना स्विम कर सके। और ये है बड़ों का स्विमिंग पूल, एडल्ट स्विमिंग पूल, और ये है आपके बच्चों का स्विमिंग पूल। आइए देखिए, ऐसे सारे बड़े बड़े सोसाइटीज़ में ऐसे होते हैं कि बच्चों के लिए अलग कर देते हैं और बड़ों के लिए अलग कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने बच्चों के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते, तो ये सेपरेट उनके लिए, बच्चों के लिए है। देख लीजिए, हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, बच्चों के लिए फुल सेफ्टी है, डूबने का कोई चांसेस नहीं होता है। और आप इस तरफ एक नज़र घुमाइए मेरे तरफ, ये है आपका बड़ा सा प्लेग्राउंड, आप देखिए पूरा। इसके बाद मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूँ। चारों तरफ से आप देख लीजिए, एक बार नज़र घुमा के देख लीजिए, ये सब आपका वॉकिंग एरिया है, जॉगिंग एरिया है, इनफैक्ट ये सब आपका सारा जॉगिंग ट्रैक है। ये सब में आपका गार्डन है जिसमें अभी पौधे लगाए गए हैं, रिसेंटली पौधे लगाए इसलिए ज़्यादा ग्रीनरी नहीं लग रहा है आपको। और ये है अपना नेशनल फ्लैग लगाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, ये है आपका जो पोल खड़ा किया गया है, सारा फैसिलिटीज़ आपको दिया गया है। आइए मेरे साथ, आप जैसे देख सकते हैं कि ये सारा पूरा जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक देखने के बाद, और ये है यहाँ आप कुछ भी अगर सेलिब्रेट करना हो, कुछ भी फेस्टिवल से, या फिर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा फ्री फ्रैंक हो जाता हूँ, आप मान लीजिए अपने फियोंसे को प्रपोज करना हो, रिंग सेरेमनी हो, तो यहाँ आप प्रपोज कर सकते हैं, डोंट माइंड, बस मजाक के लिए बोल रहा हूँ। आशा करता आप भी बहुत बुरा नहीं मानेंगे मैं अगर आपके साथ थोड़ा मजाक करता हूँ। तो आइए, एंड आइए पहले हम देख लेते हैं कि ये है प्लेग्राउंड, वैसे हम भी बच्चे हैं, और ये है आपका प्लेग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत कलरफुल भी है, आप अगर देखें तो बहुत कलरफुल है। और ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ये आप लंबा सा, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर आप देखिए बहुत ही खूबसूरत से उन्होंने कुछ डेकोरेटिव किया है, डेकोरेटिव करने का कोशिश किया, हालांकि बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है डेकोरेशन देने में, क्योंकि ऊपर आपका लाइट जला हुआ है। मैं उस दिन शाम को भी आया था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था शाम को। और ये सब जो दो कॉर्नर्स है इसमें इन्होंने कुछ पेड़ लगाए, उधर तो पेड़ लगाए, इधर पेड़ नहीं लगाया है, पेड़ लगाने से ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके अंदर जिम है, हम जिम के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि सेफ्टी मेजर्स है, अभी अगर इसके अंदर जाने से हमें बहुत हाथ
वगैरह, वो एक प्रोसेस चलता है उनका, 3-4 फार्मूलाज को फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे जी में बहुत बड़ा सा जी में हमने एक दिन एंट्री किया था, जाके देख के आए, बट एंट्री करने के लिए आपको 4-5 रूल्स फॉलो करने होंगे, वो अभी हमें नहीं करना है। तो आइए, ये आपका बड़ा सा जिम जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, गार्डन्स को आप देख सकते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है जो कि हमें चाहिए होता है। आजकल सिटी में हमें ग्रीनरी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बट आप देखिए ये एक सोसाइटी के अंदर जहां आपको ग्रीनरी मिल रहा है, जहां आपका फिटनेस के लिए जिम वगैरह है। ग्राउंड फ्लोर में जो है वो आपका जिम है, और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में फ्रंट फेसिंग आप देखिए, पूरा कांच से उन्होंने सुंदर से सजाया हुआ है। वो ऊपर आपका कम्युनिटी हॉल है जिसमें शादी ब्याह जो भी रचाना हो रचा सकते हैं, और बर्थडेज हो तो ऊपर भी आप बर्थडेज मना सकते हैं, उसके सारा फैसिलिटीज़ दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब दिखा दिया है। हाँ, और हाँ, इसमें ओपन पार्किंग है और कवर्ड पार्किंग है, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, और क्या इस फ्लैट को ख़रीदने के लिए क्या प्रोसेस है, और क्या आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको मेन फ्लैट्स दिखाने वाला हूँ। तो फ्लैट्स दिखाने से पहले मैं आपको पहले डिटेल्स दे देता हूँ, लोकेशन से पहले बात करते हैं हम। तो इसका लोकेशन जो है वो आपका लोकरा हाईवे पे है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर हम बात करें कि आपको डेली नीड्स या फिर डेली किचन रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि सामने ही आपका कमर्शियल ब्लॉक है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, जैसे कि किचन का डेली रिक्वायरमेंट्स आप मान लीजिए, या फिर घर का कुछ सामान आपको लाना, या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह कपड़ा खरीदने, तो सामने ही आपका कमर्शियल ब्लॉक है जिससे आप सब कुछ खरीद सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं स्कूल्स वगैरह, तो इससे नियर बाय 500 मीटर्स रेडियस के अंदर आपका स्कूल्स पड़ जाता है। हाँ, हॉस्पिटल्स आपका 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर है सामने, ये 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, 1 किलोमीटर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ आपको मिल जाता है, हॉस्पिटल्स आपको मिल जाता है। भगवान ना करे आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, बट बस डिटेल्स देना पड़ता है, तो मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको बस सोसाइटी से निकल के आपका ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कम्युनिकेशन बहुत ईजी है। एंड इस बड़ा सोसाइटी में रहने का एक और ये फ़ायदा है कि ज़िंदगी या फिर डे टू डे जो हसल होता है उससे आप थोड़ा सा दूर आके अपना पीसफुल घर पे आप रह सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल पीस लग रहा है। बाहर का कोई सिटी के अंदर का जो शोर शराबा है वो हमें नहीं मिलता इधर, बिल्कुल शांत है, शांत स्वभाव का ये फ्लैट है। इस सोसाइटी में टोटल 6 ब्लॉक है, G+7, G+8 ऐसा आपका हर एक इमारत आपका G+7-8 का है, और पर फ्लोर आपका 5 या 6 फ्लैट, सारे ब्लॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट है। टोटल 200+ फैमिलीज़ के लिए ये बड़ा सा सोसाइटी बनाया गया है। एंड इस प्रॉपर्टी का, इस जो बड़ा सोसाइटी है, इसका आपका 2 एंट्रेंस है, एक फ्रंट और एक बैक साइड में, दोनों ही बड़े बड़े, इजीली एक्सेस फॉर 4-व्हीलर्स। और अभी हम बात करते हैं साइजेस की। फ्लैट्स आपका 1 और 2 BHK मिलेंगे, एंड अवेलेबिलिटी मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें टोटल हमारे पास 40 फ्लैट्स आए थे, उसमें से अभी बस 30 है। वीडियो शूट करने से पहले हमने फेसबुक इंस्टाग्राम में हमने ऐड दिया था, तो वहीं से हमें करीब 9 या 10 फ्लैट्स हमने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर लिया है। फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में शायद हार्डली अभी 1 या 2 ही बचा है। इसमें जो 1 BHK है वो आपका 431 सुपर बिल्डअप स्क्वायर फीट है, और जो 2 BHK उसका स्क्वायर फीट आपका 653 सुपर बिल्डअप स्क्वायर फीट है। तो चलिए अभी हम देखते हैं फ्लैट्स, और हमें आपको प्राइस लास्ट में बताता हूँ, पहले फ्लैट को देख लेते हैं। आइए, दोस्तों चलिए अभी आइए, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 BHK। आइए, तो ये आपका 1 BHK है अवेलेबल।
तो दोस्तों ये है आपका हॉल रूम जिसका साइज है आपका 9x11 का है। इसका जो हाइट है वो आप देख सकते हैं 11 फुट का आपका हाइट है। फॉल सीलिंग लगाने से भी आपका फ्लैट जो है वो छोटा नहीं दिखेगा। सो अभी हम चलते हैं बेल्कनी की तरफ। बेल्कनी का साइज जो है वो आपका 4x5 फुट का है। फिलहाल अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर है इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं दिखेगा। वैसे ओवरऑल आपका व्यू बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो चलिए अभी हम देखते हैं बेडरूम को। ये जो बेडरूम है ये आपका डायमेंशन है 10x10 का, जिसमें 2 प्लग पॉइंट दिया गया है। ये मे बी आपका टीवी कैबिनेट के लिए दिया गया है। और ये जो है डोर के सामने ये आपका रूम्स के लिए स्विच बोर्ड दिया गया है। और इसमें भी आपका एसी प्लग जो है वो आपका दिया गया है। तो इसका जो डायमेंशन है वो आपका 10x10 का है। तो चलिए अभी हम देखते हैं किचन को। और ये है आपका किचन जिसका साइज है आपका 8x6 का। आइए एक बार देख लीजिए। इस तरफ जो है एंट्री करके लेफ्ट हैंड साइड में आपका फ्रिज का एरिया दिया गया है। और ये आपका किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8x6 का ये किचन है जिसमें सिंक दिया है। अभी ये डर्ट है क्योंकि पुटिंग इन प्रोसेस में है ये। सो इसका वेंटिलेशन दिया गया है। तो ओवरऑल जो है वो आपका सारे रूम्स पे सनलाइट आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका फ्लैट बहुत अंधेरा दिखेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। और इसमें आपका 2 टॉयलेट है, एक आपका कमोड है जिसका साइज 3x3.5 का होगा। और ये है आपका बाथ एरिया जिसका साइज है 7x3 का। आप आइए एक बार देख लीजिए। और दोनों ही टॉयलेट में आपका वेंटिलेशन दिया गया है, डर्ट एरिया उसके अंदर है और वेंटिलेशन आपका दिया गया है। दोस्तों तो ये था आपका 1BHK। अभी हम चलते हैं 2BHK में। एक ही वीडियो में हम 1 और 2BHK सारे डिटेल्स को कवर अप कर रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी बारी है 2BHK का। तो आइए ये है आपका 2BHK। हैव अ लुक। तो दोस्तों ये है आपका हॉल रूम 2BHK, हॉल रूम 653 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट 2BHK। अभी हम जो खड़े हैं ये आपका ड्राइंग रूम है जिसका साइज है 9x11 का। और हॉल रूम के साथ आपका एक बेल्कनी दिया गया है। तो ये आपका बेल्कनी जिसका साइज है आपका 3.5x4 फुट का होगा। और इसमें भी आपका एक प्लग स्विच दिया गया है। अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, डाइनिंग एरिया की तरफ। और ये आपका डाइनिंग एरिया जिसका साइज है 8.5x9 का साइज है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं किचन की तरफ। आइए ये है आपका किचन। आइए इसका डायमेंशन जो है ये आपका 7x5 फुट का है। ये जो है ये आपका फ्रिज का एरिया है, रेफ्रिजरेटर का एरिया है। और कमिंग टू द किचन आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपका वेंटिलेशन दिया गया है। उसके साथ अपना चिमनी के लिए भी फैसिलिटी दिया गया है। उसके साथ आपका सिंक का एरिया, उसके साथ एक स्विच बोर्ड जिसके लिए आपका एक्वा गार्ड फिक्स करने के लिए फैसिलिटी दिया गया है। और इस तरफ आपका एक प्लग पॉइंट दिया गया है। और ये आपका है फ्रिज के लिए प्लग पॉइंट। और ये आपका किचन के लिए, ओवरऑल लाइट्स के लिए आपका एक प्लग पॉइंट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं 2BHK का फर्स्ट बेडरूम में। ये है आपका 10x10 का बेडरूम जिसका साइज है, जिसका हाइट है आपका 11 फुट। आप अगर देखें तो एक भी जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब एक भी जगह आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। सारे बेडरूम के ऊपर एक विंडो दिया है। इस बात का बहुत ध्यान से उन्होंने रखा है कि किसी भी रूम में अपना अंधेरा ना हो। अभी फिलहाल बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, या फिर हम भी कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं कर रहे हैं ब्राइट दिखाने के लिए। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि रूम्स वगैरह आपका बिल्कुल ब्राइट है। तो चलिए अभी हम चलते हैं दूसरा बेडरूम में। और दोस्तों ये है आपका दूसरा बेडरूम जिसका साइज है आपका 9x10 का। इसमें भी आपका 2 विंडोज दिया गया है, एक आपका इस तरफ है और आपका एक इस तरफ है। इसके लिए स्विच बोर्ड दिया गया है। ये आपका ओवरऑल बेडरूम के लिए स्विच बोर्ड दिया गया है। और सारे रूम्स पे आपका एसी के लिए प्लग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। और इसका भी हाइट आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत हाइट है इसका।
11 फुट का आपका हाइट है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं टॉयलेट्स पे। ये जो टॉयलेट है ये आपका बस कमोड है और इसके साथ एक वेंटिलेशन दिया गया है। अभी हम चलते हैं दूसरे टॉयलेट पे। ये आपका 6x5, इसका जो साइज है ये आपका 6x4 का है। ये बस आपका बाथरूम है और इसके साथ आपका वेंटिलेशन दिया गया है। इस तरफ आपका शावर बैठेगा, इस तरफ आपका एक सिंक बैठेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने 1BHK एंड 2BHK फ्लैट्स जो है वो आपने देख लिया होगा। एंड हमने 1BHK एंड 2BHK दोनों एक ही वीडियो में हमने कवर किया है। 1BHK 431 स्क्वायर फीट में, 2BHK 653 स्क्वायर फीट में अवेलेबल है। और इसका प्राइस जो है जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे, इसका प्राइस है 1BHK का प्राइस है आपका 17,17,700। और कार पार्किंग एक्स्ट्रा है आपका, कार अगर आप ओपन पार्किंग लेते हैं तो 1,75,000 एंड कवर पार्किंग लेने से आपका 3 लैक्स एक्स्ट्रा आएगा। और वैसे भी मैं आपको पेमेंट मोड्स जो है वो आपको साइट पे आपका चार्ट पे आप दिख रहा होगा, हमने एक चार्ट आपको शो किया है, वो आप पॉज करके देख सकते हैं। जो 2BHK उसका जो प्राइस है वो है 25,76,100। अगर आप कवर पार्किंग लेते हैं तो 3 लाख, और अगर आप ओपन पार्किंग लेते हैं तो 1,75,000। उसके साथ एक्स्ट्रा आपका डिपॉजिट अमाउंट आएगा, वो सब आपका एक्स्ट्रा है। और जो पेमेंट मोड्स है वो भी शायद आपको इस कॉलम में दिख रहा होगा, हमने एक चार्ट आपके लिए शो किया है, पॉज करके आप देख लीजिएगा। और आप प्लीज़ हमें बताना ना भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये फ्लैट्स पसंद आए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, साइट विजिट अपना बुक कीजिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।